पकड़े हाथ ना तो छोड़ेंगे। जिनके बुक जिनका बुक राइट यू आर राइट ईसा जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, भगवान की सलामत रहे। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप जी, बड़े अच्छे लगते तो मैडम कर रही है अभी तो। क्या बात कर रही है, तो मुझे पता ही नहीं था। मेगा आगे अंदर भी अंदर भी पूछिए। फिर से और ये कट नहीं करना, ऐसे ही दिखाना। हाँ चलो नमस्कार, एक मिनट नमस्कार। अगर हमारे से हो सकते हैं जो सच नहीं महान नायक बनने वाला है आने वाले वक्त पे, हमारे साथ है राहुल बेबी साहब जो लास्ट ईयर धमाल किए थे, इस साल भी बिग बॉस आ रहे, हम देखे क्या कमाल करने वाले हैं। भाई साहब स्वागत है आपको टीवी से बॉलीवुड में आपको। थैंक यू भाई, और आपके बहुत बहुत बधाई हो कि नया जिंदगी शुरुआत की आप लोगों ने, मैंने ले लिया आपको। थैंक यू बहुत बहुत, आप नाम तो ऐसे हो सभी बहुत अच्छे एक्टर सबको पता है। जिस तरह बिग बॉस लास्ट वीक आ गया, लास्ट ईयर आपने धमाल किए थे, साल भी एक मतलब बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ कॉल कुछ धमाल कुछ आपको कुछ अभी तक है वहाँ पर? भाई बिग बॉस हर साल आता है, बट मेरा तो हो गया इस साल, तो मुझे फोन दो तीन है। दो तीन तो खास है बिग बॉस के, इसलिए आप भी उसमें से खास हूँ। मैं शुरू होगा तो उसके बाद जाएंगे कि रेट का जब शुरू होगा तो उसके बाद जाएंगे, अभी तो ऐसे कोई प्लान नहीं। जैसे राहुल भाई जिस तरह आप काम तो कर ही रहे हो, मैं मतलब ऋषा जी के साथ कोई प्रोजेक्ट आपको लेके शूट करने वाले हैं? हम म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस करेंगे और साथ में, बट फिलहाल हम दोनों ही अपने अपने काम में हैं, वो अपने अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट जिस तरह आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे बहुत आप उस लाइक हो सर, आप बढ़ते हुए सितारे हमारे देश का, उससे क्या होता है हमारे हिंदुस्तान के भी नाम होता है, एक अच्छे लोग अच्छे एक्टर भी मिलते हैं। सर बिग बॉस में एक एक्टिंग ही टाइप में सर, सिंगर तो सबको पता है, रियलिटी है, रियलिटी है, बट वो भी एक कला ही होता है, हर लोग नहीं झेल सकते हैं, आपने झेलने की शक्ति था आपने झेल, दो दिन में बाहर निकल जाए बात है, ऐसे गाली गुस्सा जो ला मार गाने दम डबल डबल एफ में पहुँच गया, इस तरह की चीज़ है, आप कैसे झेल सकते हैं? मुझे भी पता, मैं खुद भी जब गरे मुर्दे उखाड़ते हैं तो बोल रहा हूँ, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो शो ही है एक दूसरे के बारे में, तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अपनी वीडियो को मत देखो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। ये पॉइंट भी नोट, ये सीखने वाली बात है, यहाँ पे आप भी मैं वहाँ पे ले जाके ये नहीं बोल पाऊंगा कि मेरे लेने के बारे में कुछ बात, अरे अगर आप लाए हो वो एक कंटेस्टेंट है उनके बारे में बोला जाएगा। अच्छा आप कभी टाइम मिला मौका मिला तो बड़े अच्छे लगते हैं, देखा आपने ईसा जी के शो कभी? मैंने ऑफकोर्स तो बहुत बार देखा है, सॉरी मुझे लगा आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसमें जाऊँगा, बड़े अच्छे लगते शो करने बहुत बार देखा है, सीन तो बहुत अच्छा लगा, शायद काम इंटरेस्ट किया होगा। नहीं मैंने उनका शो उनका उनका किरदार देखा है, बहुत ही उमदा किस्म की कलाकारा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, जितना उनके बारे में क्या प्राउड लगता है कि आपको मतलब आप घर पे कभी कभी मिलता हो जाता है, उनका शो देखते हो काम अच्छा दिखता है, कैसे लगता है? बहुत बहुत जब उनके बारे में फैंस मिलते हैं, जब मैं कभी बाहर जा रहा हूँ तो कोई एक मेरी माँ की उम्र की जब कोई औरत आर्टमेंट करती है बेटा आपकी उम्र को बोलना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मुखड़े पे दो नैन जैसे अम्बरा देता रे, देख तुझको रह नहीं पाए तुझ पे दिल हारे, आए उनके लिए
पंच लाइन बहुत अच्छे हमारे क्या एल्बम है इसके आपने मुझे ये पूछ के लाए थे कि मैं दो सवाल सवाल एक लास्ट सवाल जाती है लेकिन जो चलने वाला चलता है सब तरह फीचर चलता है तो फिर एक ही बात लोगों को ट्रेन मैं लग रहा है कि मतलब मैं बीफ खाता हूँ तो मंदिर नहीं जाते आप इससे कैसे संबंध मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा बिकॉज मुझे इसके बारे में ज़्यादा पूरा पता नहीं जब तक आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में उसकी सब जानकारी ना हो आधा पूरा ज्ञान लेके किसी के बारे में टिप्पणी देना ये मुझे अच्छा एक ही सवाल उसने बोला था कि मैं बीफ खाता हूँ जी पुराना वीडियो था जो वायरल अभी जाकर हो रहा है जी तो इसीलिए लोग बैकअप कर रहे हैं जो इंसान मतलब महाकाल में जा सकते हैं बीफ खाते महाकाल में एंट्री नहीं होता जी जी मैं सहमत देखिए मैं फिलहाल उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बात करूँ कि नहीं बट मैं यही कहना चाहता हूँ इस देश नमस्कार मैं हूँ राहुल वैद्य और टी वी से बॉलीवुड पर देख रही है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें मिलती हैं और बहुत ही बढ़िया मनोरंजन गणपति बप्पा।